और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस मामले में आज एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आएगी। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि आज रिपोर्ट सीएम को नहीं सौंपेगी एसआईटी। एसआईटी लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी की टीम आपको बता दें दोबारा पहुंची थी उस जगह पर जहां पर पीड़िता को जलाया भी गया था, और बहुत संभव बताया जा रहा था कि आज सीएम को एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इंतजार हो रहा था एसआईटी की जांच रिपोर्ट का, जो कि आज वो सीएम को सौंपने वाली थी, लेकिन क्या वजह रही जिसकी वजह से आज ये नहीं हो रहा है? देखिए श्वेता, इसमें बहुत सारे एंगल हैं जिसको अभी तक जांच करना बाकी था एसआईटी के मुताबिक, और इसलिए जो एक हफ्ते का टाइम दिया गया था उस दौरान जिन लोगों से पूछताछ बातचीत और जानकारी ली गई उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और बातें सामने आई हैं जिसके लिए इनको और वक्त की जरूरत थी। और इसी बात के साथ कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद एसआईटी को 10 दिन का और वक्त दिया गया है। आज उम्मीद थी कि इस पर पूरी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी, हालांकि डे टू डे अपडेट भी दिया जा रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आज सबमिट होनी थी। लेकिन एसआईटी टीम ने बताया कि इसमें बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिनकी जांच की जानी गहनता से जरूरी है। ऑफिसर्स के रोल, पीड़ित पक्ष का बयान और तमाम जो आरोपी पक्ष हैं उनके बयानों के साथ बहुत सारी चीजें नई निकल के आई हैं जो कि इस पूरे मामले में नई रोशनी डाल सकती हैं और इस मामले को और ज्यादा अच्छे से इसकी पड़ताल की जा सकती है। लिहाजा उनके आधार पर ये गुजारिश की गई थी कि एसआईटी को कुछ और वक्त दिया जाए, तो अब 10 दिन का वक्त दिया गया है। इस 10 दिनों में फिर से एक बार, यानी कि 10 दिन के बाद बहुत संभव है कि एसआईटी की टीम जो है अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप देगी, जिसके बाद सच्चाई बहुत हद तक सामने आने की उम्मीद है। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।